सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. और सुबह सुबह का वेलकम हो रहा है आपका चाय से. सुबह 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 बन रही है अदरक वाली चाय. नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो सबसे पहले रख दिया है मैंने, छोड़ दिए थे मैंने राजमा रात को ही, ये अच्छे से फूल चुके हैं. और दोपहर में बनाऊंगी मैं राजमा चावल. कर बैठी हूँ अपनी ये ज्वेलरी जो मुझे लेकर जानी है आर्टिफिशियल वाली, तो इसमें से निकालते हैं क्या क्या लेके जाना है. सो गाइस, देख लीजिए कितने प्यारे इयररिंग्स हैं ये. सी ये, और ये देख लीजिए, ये भी डालना है मुझे एक सूप पर. तो आपको भी दिखाती हूँ मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन छोटा सा. और ये देख लीजिए, ये है मेरे कुंदन के झुमके, कुंदन वर्क. ये सॉरी, एक मिनट, ये देखिए. सो ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही प्यारे, एकदम गोल्ड जैसे लगते हैं ये. और एक और है इसमें डिज़ाइन. सो ये देखिए, ये भी पूरे कुंदन वर्क में है और ये झुमकियाँ भी पूरी कुंदन वर्क में है. और इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, आपको दिख ही रहा होगा. एक मिनट, ये देखिए, है ना इतना प्यारा डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है. और ये बहुत बहुत ही प्रिटी है ये, और ये डाल के भी एकदम बहुत सुंदर लगते हैं ये भी, और ये झुमकियाँ भी. और इसके साथ का गले का भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. एक गले का सेट देख लीजिए, ये ऐसे है, ये पूरा ऐसे है, बहुत ही प्रिटी लगता है ये जब डलता है तो. ये ऐसे है पूरा ऐसे, तो ये मेरा पूरा दो सेट मैंने बनाए हुए हैं, बहुत ही प्यारे हैं. और सो गाइज, ये है मेरे पर्ल के सेट जो मैं जब हैदराबाद गई थी तो मैंने वहाँ से लिया था. ये है इसके छोटे छोटे से इयररिंग्स, और ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, कभी छोटे मोटे कोई फंक्शन पे जाना हो तो वहाँ पे डाल सकते हैं, हम वेयर कर सकते हैं. और एक ये है, ये डबल मोती में है, और ये वाला जो है वो सिंगल मोती का है. और इस पे है ये पिंक कलर का नग, और इसके इयररिंग भी बहुत ही प्रिटी हैं, छोटे छोटे से एकदम. तो ये मैं जब हैदराबाद गई थी तो मैंने ये वहाँ से लिया था, रामपुरी सेट बोला जाता है. और ये भी बहुत ही प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ. सो गाइज, ये देख लीजिए, ये मैंने लिया था मुंबई से, जब मैं बॉम्बे गई थी तब मैंने लिया था. ये है ऐसी, और इसके इसके साथ एयररिंग्स ऐसे हैं, और ये है इसका टीका. तो ये भी बहुत ही प्रिटी है, और मैंने आज तक इसको भी डाला भी नहीं है अभी तक. तो लेकर चलते हैं, देखते हैं कौन से सूट पर मैच होगा. और भी काफ़ी छोटी मोटी सी ज्वेलरीज हैं, कभी मैं आपको फ्री टाइम में अपनी ज्वेलरीज ज़रूर दिखाऊंगी, ये भी शेयर करूंगी. अगर आप देखना चाहते होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर अपना ज्वेलरी बॉक्स. तो चलिए कर लेते हैं अपनी पैकिंग. गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो. और आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और आज है फ्राइडे और टाइम हो चुका है 12:30 का. तो चलिए पहले पढ़ते हैं नमाज, और सोचा आप लोगों को आफ्टरनून भी बोल देते हैं. व्लॉग तो मेरा सुबह से स्टार्ट हो गया था चाय से, मॉर्निंग मैंने आपको कह दिया था. और पैकिंग भी हमारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन, क्योंकि हमें जाना है कल शादी पे, कल निकलना है. और तैयारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, और आज शाम को मैं मेहंदी भी लगवाऊंगी. तो मेहंदी में मैं यहीं से लगा के जा रही हूँ, क्योंकि शादी वाले घर में हौच पोच होता है, फिर
दिल नहीं करता, आलस आता है और ठंड भी है, तो यहीं से ही मेहंदी लगवा के जाएंगे। और आपको मिलवाना है किसी से, वो मैंने आपको बताया था एक सरप्राइज है, तो आपको मिलवाना है मुझे किसी से, तो वो भी मैं मिलवाती हूँ आपको थोड़ी देर में। और साथ में बनेगा, लंच भी तैयारी करनी है, और लंच में बनेगा राजमा चावल जो मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम भी स्टार्ट, और सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज और उसके बाद करते हैं काम स्टार्ट, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, और मिलवाते भी हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। मेरी ज्वेलरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप साड़ी भी देखना चाहती हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आपके साथ अपनी ज्वेलरी ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, आपको मिलवा देते हैं, जो सरप्राइज़ आपको बताना था वो आपको बता देते हैं। तो ये मिल लीजिए मम्मी से, तो मम्मी भी आ चुके हैं शादी पे जाने के लिए, सो हेलो कर दो भाई। हेलो। और ये आ चुके थे दोपहर को, और उसके बाद से हमारा ये सब पैकिंग पोकिंग सा चल रहा है काम, तो फुर्सत ही नहीं मिली मिलाने की, तो अब आपको मिला रही हूँ, और बेचारे थक के हालत ख़राब हो चुकी है। तो मिल लीजिए आप लोग, और ये भी हमारे साथ शादी पे जा रहे हैं, और बाकी सब आएंगे बाद में। तो चलिए, मैं पहले आ रही। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं पहले आ रही। हाँ, ये हमारे साथ जाएंगे ना, इसलिए। तो हो गई तुम्हारी भी पैकिंग डन? हाँ, हो गई। हो गई। तो गाइज ये देख लीजिए, हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, बस अब सुबह हमें निकलना है, और छोटा मोटा से काम रह गए वो करते हैं, और अभी मेहंदी भी लगाने वाला आ रहा है। मम्मी तुम कर रहे हो काम, और मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, और मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, और मेरे मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुका है। तो मम्मी के भी हाथों में लग चुकी है मेहंदी। शादी पे जाने के लिए ना। पीछे दिखाओ, ये पीछे का डिजाइन। तो मम्मी भी लगा चुके हैं मेहंदी। गाइस मेरे अभी एक ही हाथ पे लगी है, अभी लगनी है दूसरे, और पीछे भी लगनी है, तो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने लगा ली है मेहंदी, और ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए, दिख रही है पूरी? बस बन गई, बन गई ना पूरी, दिखाई इधर भी घुमा दे। ये बैठे हम दोनों की मेहंदी लग चुकी है, मम्मी की तो सूख गई। हमारा डिनर बनके हो चुका है रेडी, और मैंने बनाए ये कबाब। हाय गाइस, मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे, और हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, हम लोग निकल रहे हैं। और तो ये देख लीजिए मेरी मेहंदी भी, अभी और अच्छे से कलर भी आ जाएगा। तो हम लोग निकल रहे हैं, और हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है डन, और सामान भी हो चुका है पैक, चला गया है नीचे। तो चलिए चलते हैं, और मैं अपने व्लॉग का एंड भी यहीं पर ही कर रही हूँ। तो और इसके आगे का व्लॉग जो है वो आपको मिलेगा अब नेक्स्ट में, तो आप लोग वेट करिए और मेरे व्लॉग में मेरे साथ। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आपको शादी की सब देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, और मिलते हैं शादी वाले घर पर, और मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, और आपको भी दिखाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग यहाँ का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट करिएगा, फंक्शंस आज से ही शुरू है। सो अल्लाह हाफिज़।